देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जैकोबी इक्वेशन। ये कहता है कंसिडर ए जनरलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम। सबसे पहली बात तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। जनरलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होता है, जो मेरा एच फंक्शन होता है हैमिल्टोनियन फंक्शन, वो टाइम के ऊपर ना एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि कर्ली एच बाय में कर्ली टी क्या होता है वहाँ पे जीरो होता है। किसके अंदर? जनरलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। फिर कहता है दैट इज एन आर्बिट्री सिस्टम फॉर विच, अब उसने उसकी डेफिनेशन बता दी, दैट इज एन आर्बिट्री सिस्टम फॉर विच एच इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं? जनरलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है। फॉर दिस वी हैव द जनरलाइज इंटीग्रल। अब देखो, जो मेरे पास क्या है, कर्ली एच बाय में कर्ली टी अगर हमारे पास जीरो होगा तो कर्ली एच बाय कर्ली टी किसके बराबर होता है? डी एच बाय में डी टी के, यानी कि कुल मिला के आपके पास क्या गया? डी एच बाय में डी टी इक्वल टू में जीरो। फॉर दिस वी हैव द जनरलाइज इंटीग्रल। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो मुझे इधर क्या मिलेगा? कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मिलेगा एच नोट, ठीक है। फॉर दिस वी हैव द जनरलाइज, तो ये कह रहा है जनरलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो जनरलाइज इंटीग्रल होगा वहाँ पे जो एच है वो किसका फंक्शन रह जाएगा? एच पहले हमारे पास फंक्शन था टाइम का, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज मोमेंटा का, लेकिन वो टाइम पे तो डिपेंड करता नहीं, तो अब एच किसका फंक्शन रहा? जनरलाइज कोऑर्डिनेट का और जनरलाइज मोमेंटा का, और वो क्या आ गया? इंटीग्रेशन करने बाद इक्वल टू में एच नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो विटकर्स इक्वेशन। विटकर्स इक्वेशन हमारे पास वैसे क्या होता था, हमारे पास ऐसी होती थी इक्वेशन क्यू आई डॉट, और यहाँ पे होता था कर्ली एच बाय में कर्ली पी आई, और यहाँ होता था पी आई डॉट माइनस के कर्ली एच बाय में कर्ली पी आई होता था। लेकिन जब हमने विटकर्स इक्वेशन की थी तो हमारे पास क्या था? क्यू आई डॉट का मतलब क्या है? क्यू आई डॉट का मतलब है हमारे पास डी क्यू आई बाय में डी टी, लेकिन टी का रोल किसने रिप्लेस करवाया था? क्यू वन ने, और आई की जगह पे कौन आ गया था? जे आ गया था। आई की वैल्यू तो वेरी करती वन से एन तक, लेकिन जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती? टू से लेके एन तक। और एच की जगह पे क्या आ गया था? हमारे पास के आ गया था, और आई की जगह पे फिर से क्या आ गया? जे। और सेकेंड इक्वेशन में से पी आई डॉट, पी आई डॉट का मतलब क्या है कि कर्ली पी आई बाय में कर्ली टी, फिर से टी की जगह पे क्यू वन और आई की जगह पे जी, माइनस की जगह पे माइनस आ गया, के की जगह पे एच आ गया, और क्यू आई है ना, आई की जगह पे क्या आ गया? जी। वी विल फाइंड, अब ये कह रहा है कि मेरे पास कितने डिफरेंशियल इक्वेशन है बताओ। अब देखो वैसे तो n होती थी, लेकिन q1 वाली चली गई क्योंकि यहाँ पे j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेके n तक है, तो 1 से लेके n तक n हो गया, 1 में से एक चला गया, तो कितनी बची? n माइनस वन इक्वेशन, तो ये रही n माइनस वन, ये इक्वेशन रही। जब मैं किसी भी एक इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करती तो मेरे पास एक कॉन्स्टेंट आता है, दो को करते तो दो आते हैं, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कितने आ जाएंगे? n माइनस वन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, और n माइनस वन इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएंगे। तो यानी कि मेरे पास कितने डिफरेंशियल इक्वेशन है? हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है 2n-2, तो डिफरेंशियल कांस्टेंट भी कितने आएंगे हमारे, सॉरी इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कितने आएंगे? 2n-2। कह वी विल फाइंड, तो कह रहा है कि मेरे पास qj और pj की वैल्यू आ जाएगी बाय इंटीग्रेटिंग दीज इक्वेशन। इंटीग्रेट करके आ जाएगी, जहाँ पे जो qj pj है ना वो किस किस का फंक्शन होगा? q1 का, ठीक है, और किसका फंक्शन होगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, c1 c2 कितने होंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2n-2। मोर ओवर द इंटीग्रल ऑफ दीज इक्वेशन कंटेन एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एच नोट विच इज आर ऑफ द फॉर्म। अब देखो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी, जो यहाँ पे k है, k हमारे पास क्या है? एच की जगह पे, और एच किसके इक्वल है? एच नोट के। तो कह रहा है जब मैं इंटीग्रेट करूँगी, जो क्यू जे है वो किसका फंक्शन होगा? क्यू वन का फंक्शन होगा, सी वन सी टू सी टू एन माइनस टू का होगा, और किसका होगा? एच नोट का। इसी तरह जब मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरे पास किसका फंक्शन होगा? साई जे क्यू वन एच नोट सी वन सी टू सी टू एन माइनस टू। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, अगर मैं पी वन निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? साई वन क्यू वन एच नोट सी वन सी टू सी टू एन माइनस टू। नाउ वी ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट। अब देखो जो कर्ली एच बाय में कर्ली पी आई है वो किसके बराबर है? क्यू आई डॉट की। अगर मैं एक के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना चाहूँ, कि अगर मैं आई की वैल्यू वन के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना चाहूँ, तो क्या आ जाएगा? कर्ली एच बाय में कर्ली पी वन क्यू वन डॉट, और क्यू वन डॉट क्या है यहाँ पे? डी क्यू वन बाय में डी टी। तो जब मैं डी टी की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? डी क्यू वन बाय में कर्ली एच बाय में कर्ली पी वन। और जब मुझे टी की वैल्यू निकालना है तो मुझे इस इक्वेशन क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो आपको इस वीडियो में इतना ही करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। बस यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे q1 का फंक्शन होगा, 2n-2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हो गए, और k की वजह से हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट क्या आ गया? h नोट। वैसे मैंने इससे पहले वाले में जब p1 करवाया था तो वहाँ पे भी हमारे पास जो ये था h नोट आया था अंदर।